श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में अगले 3 दिनों में ओलावृष्टि एवं वर्षा की संभावना, गिरेगा तापमान और जोर पकड़ेगी ठंड। पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता बढ़ जाने से मौसम में परिवर्तन के आसार पैदा हो रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में एक चक्रवर्ती संचार बन रहा है और इसके प्रभाव से रविवार, सोमवार और मंगलवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तथा बीकानेर जिलों में हल्की बरसात होने की संभावना है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिलों में बरसात के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है और इसी के साथ तापमान में काफ़ी गिरावट आने के भी आसार हैं और इससे सर्दी जोर पकड़ जाएगी। इस बीच श्रीगंगानगर में शुक्रवार रात को हल्की बूंदाबांदी हुई है और आज बादलवाई रही। मौसम का हाल बताने वाली प्राइवेट एजेंसी स्काईमेट वेदर ने इस आशय की संभावना व्यक्त की है और स्काईमेट के अनुसार राजस्थान में पिछले कई दिनों से शुष्क मौसम देखा जा रहा है, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ गई है। जब भी पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के पास पहुंचता है तो वे मध्य पाकिस्तान और उससे सटे उत्तरी राजस्थान पर एक चक्रवर्ती चक्र का संकेत देते हैं। 25 नवंबर के आसपास पश्चिमी हिमालय का रुख करने वाला नया पश्चिमी विक्षोभ फिर से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पैदा करेगा और इस मौसम परिवर्तन की वजह से बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर आदि स्थानों पर हल्की बारिश होगी। हालांकि राज्य के दक्षिणी जिलों में शुष्क मौसम जारी रहेगा। संभावना है कि 26 नवंबर को बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी और फिर राज्य के कई हिस्सों में बिखरी हल्की बारिश के साथ आसमान में बादल छा सकते हैं। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में ओलावृष्टि की भी संभावना है। स्काईमेट के अनुसार 27 नवंबर तक पश्चिमी विक्षोभ दूर हो जाएगा और इसी के साथ मौसम साफ होने लगेगा। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SBT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।